बनारस के 80 घाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर श्री काशी 1485 विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित होली में काशी के गीतकार और कवियों की टोली ने महफिल जमाया। गंगा तट पर खुले मंच पर हो रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होकर होली के रंग में रंग गए। हर हर महादेव के उद्घोष से शुरू हुआ होली के आयोजन में फगुआ लोकगीत, देशभक्ति गीत और राजनीतिक होली गीतों के साथ अयोध्या, मथुरा व काशी के मंदिरों पर गीत गाकर टोली ने रंग जमाया, तो वहीं कवियों ने अपनी कविता और राजनीतिक व्यंग से परंपरागत होली में चार चांद लगाए। वहीं इस टोली में कोई पीएम मोदी तो कोई राहुल गांधी सहित तमाम राजनेताओं के मुखौटे और पिचकारी लेकर युवाओं की टोली मौजूद रही। साथ ही इस दौरान मौजूद श्रद्धालु पर्यटकों ने बात करते हुए 80 घाट पर होली मनाई और अपनी खुशी जाहिर की है। आज हम सब ने काशी के इस घाट पर होली, जो बाबा को एकादशी के दिन गुलाल अर्पित करने के बाद काशी में आरंभ हो जाती है, और आज की होली चूंकि आचार संहिता लगी थी इसलिए हमने आचार अवार्ड के साथ यहाँ आरंभ किया। और यहाँ पक्ष विपक्ष कहा जाता है, होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, चाहे माया हो, चाहे ममता हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, इस होली में हमारे सभी शामिल थे। लेकिन जैसा देश का मन चल रहा है वो साहित्यकारों के साहित्य में भी झलक रहा है, गायकों के गायन में भी झलक रहा है। गायक अपने गाने में बार बार अबकी तो 400 पार का जो है गायन कर रहे थे और उस पर जनता झूम रही थी, अपनी सहमति व्यक्त कर रही थी, अपना मत दे रही थी एक तरह से। तो ये भावना पूरे देश की है और ये काशी के घाटों से भी आज होली में देखने को मिली। ये पूरे देश का मन है, क्योंकि कोई अगर केरल से आया, कोई दिल्ली से आया, दिल्ली के देखिए ये हैं अभी यहाँ पर इतनी नाची है कि हमें लगता है बनारस का कोई इतना नहीं नाचा हो। बिल्कुल जाएगी, 400 पार जाएगी और हमें लगता है सारे आकलन ध्वस्त हो जाएंगे इस बार। हमने आचार संहिता का कतई उल्लंघन नहीं किया, ये काशी में होली को आज आचार संहिता को देखा। और इसमें हर राजनीतिक दल का यहाँ लोग था, किसी का सिंबल नहीं था, मोदी थे, केजरीवाल थे, सोनिया गांधी थी, माया थी, ममता थी, हर कोई था, कोई राहुल थे, आप राहुल को देख रहे हैं, राहुल गांधी पड़े हैं हमारे साथ, कोई इसमें छूटा नहीं हमसे, जो छूट गया किसी काम से गया होगा आ जाएगा। ये काशी की होली है, ये काशी की होली, अर्धांगी होली है, यहाँ सभी जो है रंग में रंगे हुए हैं, सभी राजनीतिक दल रंगे हुए हैं, और यह काशी है, कहीं जो है श्मशान की होली होती है, यहाँ रंगों की होली है, मस्ती की होली है, और हर हर महादेव में सब लोग डूबे हुए हैं। हाँ, यह पॉलिटिकल रंग है, यहाँ राहुल गांधी हो या अखिलेश हो, सभी सब बराबर हैं, यहाँ सब लोग मस्त हैं, सब लोग जो है यहाँ कोई परहेज नहीं किसी में, सब लोग हर हर महादेव के नारे में अलमस्त हैं। हम लोगों ने अभी तक बनारस की होली के बारे में सुना ही था, हम स्पेशली दिल्ली से मसान की होली और वो जो रंगभरी एकादशी है उसको देखने आए हैं। लेकिन हमारा आज बहुत बड़ा अहोभाग्य कि जब हम लोग 80 घाट घूमने आए तो हम लोगों ने इस होली का भी पूरा एंजॉय किया, और हम भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी ही आए, क्योंकि मोदी के आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ है, हम खुल के जय श्री राम का नारा लगा पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब की बार 400 पार, सच में हम चाहते हैं इस चीज को भी। आज करने हम 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, हमने सुना था मसान की होली बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, तो मसान की होली देखी हमने, इतनी बढ़िया लगी हमें, बनारस की होली मतलब हमने आज तक सुना ही सुना था, पहली बार देख रहे हैं, फिर दूसरे दिन यहाँ घूम रहे हैं हम, और मोदी जी के आने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, सारा कुछ सब बदलता चला जा रहा है, योगी जी और मोदी जी हैं तो सब कुछ अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।